हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो नया टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है मेवाड़ का गुहिल वंश। और गुहिलों में भी हम जो आज की क्लास में लेंगे वो लेंगे रावल शाखा को। यहाँ पर मैंने प्रमुख शासकों के नाम लिख दिए हैं। आज की क्लास में राजा गुहिल से लेकर राजा रतन सिंह तक के शासकों को हम कवर करेंगे। यह है मेवाड़ का राज चिन्ह। मेवाड़ का अगर राज चिन्ह देखा जाए तो यहां पर आपको एक क्षत्रिय योद्धा दिखाई देगा, क्षत्रिय योद्धा तलवार लिए हुए। ठीक है। और आपको सबसे ऊपर ऊपर एक सूर्य का निशान दिखाई देगा। यहां पर आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसकी फोटो दिखाई देगी, पिक्चर दिखाई देगी। और इस तरफ जो राजचिन्ह है, राजचिन्ह के इस तरफ आपको भील सेनापति पुंजा पुंजा की तस्वीर दिखाई देगी, और जिसके हाथ में तीर, तरकश तथा भाला है। ठीक है। और सबसे नीचे नीचे आपको जो मेवाड़ का राजचिन्ह है उसमें लिखा हुआ दिखाई देगा, जो दृढ़ रखे धर्म को तीही रखे करतार, यानी कि जो अपने धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा ईश्वर करेगा। ठीक है। तो ये मेवाड़ का राज चिन्ह था। अगर मेवाड़ के बारे में हम थोड़ा बहुत अगर फैक्ट्स की बात करें तो मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है, सबसे पुरानी रियासत है। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश मेवाड़ का राजवंश है। मेवाड़ का जो राजवंश है ये दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला है। ठीक है। अगर मेवाड़ की हम प्राचीन नामों की बात करें तो हमें महाभारत काल में मेवाड़ का नाम शिवी देखने को मिलता था, और जिसकी राजधानी थी मध्यमिका, मध्यमिका या नगरी। ठीक है। तो महाभारत में इसी का नाम, मेवाड़ का नाम आपको शिवी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, मेवाड़ जो है, मेवाड़ में मेर और मेव, मेर और मेव जाति की प्रधानता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को कालांतर में मेदपाट कहा जाने लगा। ठीक है। मेरों या मेवों की भूमि होने के कारण इसका नाम कालांतर में मेदपाट पड़ गया। ठीक है। मेदपाट एक संस्कृत वर्ड है, इसी का ही हिंदी नाम होता है प्रागवाट। ठीक है। तो इसको प्रागवाट भी कहा गया। मध्यकाल में आकर यही एरिया मेवाड़ कहलाने लगा। ठीक है। मेर और मेवों से रक्षित भूमि होने के कारण मध्यकाल में जो ये मेदपाट है इसी का नाम मेवाड़ हो गया। ठीक है। तो ये तो हो गई मेवाड़ की बेसिक बेसिक बातें। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि भाई ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है, और दूसरा कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है। तो हम बात करते हैं कि मेवाड़ के जो गुहिल है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है। तो अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए, गुहिलों की उत्पत्ति की, तो आपको दो मत ध्यान रखने हैं। पहला मत है अबुल फजल का। अबुल फजल इनको ईरानी मूल का बताते हैं। अबुल फजल कहते हैं कि जो मेवाड़ के गुहिल है ये ईरानी मूल के हैं। ठीक है। ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नो सर्वा आदिल के ये लोग वंशज हैं। दूसरा मत आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जो गुहिलोत वंश है या गुहिल वंश है मेवाड़ का, ये गुजरात के वल्लभी शासक
शीलादित्य, शीलादित्य के वंशज हैं, ठीक है। तो ये उत्पत्ति से रिलेटेड आपको दो मत इनके ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब अगर प्रमुख शासकों की बात की जाए तो इस वंश में पहला शासक जो है वो आता है राजा गुहिल या गुहादित्य, ठीक है। गुहिल के बारे में मेन मेन बातें क्या हो गई, तो पहली बात हो गई कि मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक, ठीक है। इसकी इसके पिता का नाम शीलादित्य, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। माता का नाम पुष्पावती, पुष्पावती, ठीक है। देखो ये जो राजा गुहिल है इसका लालन पालन वीरनगर में रहने वाली एक कमलावती नाम की ब्राह्मणी ने किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीरनगर में रहने वाली कमलावती नाम की ब्राह्मणी ने इसका लालन पालन किया था, ठीक है। और 558 ईस्वी में इसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। तो ये मेन मेन बातें हो गई राजा गुहिल या गुहादित्य की, ठीक है। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आता है, इंपोर्टेंट शासक, इसका नाम है कालभोज या बप्पा रावल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो शासक है वो है बप्पा रावल। तो बप्पा रावल जो है इसका शासन काल आपको 734 से 753 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। बप्पा रावल जो है इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, तो पहली बात ये कि प्रथम शक्तिशाली शासक, गुहिल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक इसको कहा जाता है, ठीक है। देखो बप्पा रावल जो है वो एक नाम न होकर एक उपाधि है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि बप्पा रावल एक नाम नहीं है, बप्पा रावल एक उपाधि है, ठीक है। इसका जो असली नाम है वो है कालभोज, और ये जो कालभोज है या बप्पा रावल है, यहां पर एक ऋषि रहा करते थे मेवाड़ में जिनका नाम था हरित ऋषि, हरित ऋषि, और इनके आश्रम का नाम था लकुलिस आश्रम। देखो गुहिल का मतलब होता है ग्वाला, ठीक है। तो कालभोज या बप्पा रावल हरित ऋषि के लकुलिस आश्रम में रहते थे और हरित ऋषि की गायें चराते थे, ठीक है। इसी दौरान मेवाड़ पर एक जुनेद नाम के आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो मेवाड़ का शासक था मान मोरी या मान मोरी, वो मेवाड़ छोड़कर भाग गया। ऐसी स्थिति में मेवाड़ की जनता की रक्षा कालभोज के द्वारा या बप्पा रावल के द्वारा की गई, ठीक है। और तभी से इसका नाम बप्पा रावल पड़ गया, हरित ऋषि ने इसे बप्पा रावल की उपाधि प्रदान करी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो राज प्रशस्ति, एक राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति के जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति ये कहती है कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल ने मान मोरी, मान मोरी या मान मोर्य को हराकर मेवाड़ चित्तौड़ जीता था, ठीक है। मान मोरी या मान मोर्य कौन है, तो ये मौर्य वंश का है, ठीक है, मौर्य वंश का शासक है, और जो अशोक थे ना मौर्य वगैरह उन्हीं का ये वंशज है, और चित्तौड़ पर इसी का ही अधिकार हुआ करता था, ठीक है। तो बप्पा रावल इसको पराजित करता है और चित्तौड़ को जीतता है, कब, 734 ईस्वी में जीतता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण
चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया, इसी का ही पूर्वज है, इसी के वंश में था पहले, चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया। और जो मेवाड़ का नाम रखा, जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था चित्रकूट, चित्रकूट, और बाद में इसी का नाम पड़ गया चित्तौड़। ठीक है, तो यहां तक की आपको बातें समझ में आ गई। 734 में मान मोरी को हराकर बप्पा रावल शासक बन गया। बप्पा रावल के निर्माण कार्य भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि बप्पा रावल ने क्या क्या निर्माण कार्य किए। तो बप्पा रावल के निर्माण, इसमें फर्स्ट नंबर आपको ध्यान रखना है कि इसने नागदा में सास बहु मंदिर का निर्माण किया। फर्स्ट नंबर सास बहु मंदिर, तो सास बहु मंदिर का निर्माण इसने कहां किया है? नागदा उदयपुर में। ठीक है, सेकेंड नंबर आपको ध्यान रखना है कि इसने एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया, एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। ये कहां पर है? तो कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, अब एक लिंग नाथ जी जो है ये मेवाड़ के जो जो भी शासक है, मेवाड़ वंश में जो भी शासक आते हैं, ये एक लिंग नाथ जी को मेवाड़ का असली शासक समझते हैं और स्वयं उनका प्रतिनिधि बनकर मेवाड़ की सत्ता को संभालते हैं। यानी कि मेवाड़ का जो असली शासक है वो एक लिंग नाथ जी को ही माना गया है और जो मेवाड़ के बाकी के शासक हैं वो केवल मेवाड़ की सत्ता संभालते हैं एक लिंग नाथ जी के प्रतिनिधि बनकर। ठीक है, और इस अगर मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली क्या होती है? तो देखो इसमें एक तो बीचों बीच मेन मंदिर होता है, फिर चार कोनों पे चार मंदिर होते हैं, तो टोटल कितने मंदिर हो गए? पांच मंदिर हो गए, तो इसी को ही पंचायतन शैली कहा जाता है। इस प्रकार के जो मंदिर है वो ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस एकलिंगनाथ जी के मंदिर के बारे में बात की जाए तो इस मंदिर के अंदर काले पत्थर की शिव की चतुर्भुजी प्रतिमा है। ठीक है, काले पत्थर की शिव की चतुर्भुजी प्रतिमा। ठीक है, ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है वो लकुली संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा बप्पा रावल की आपको ध्यान रखना है कि बप्पा रावल की छतरी कहां है? तो बप्पा रावल की छतरी है नागदा उदयपुर में। ठीक है, और एक बात इसकी और ध्यान रख लेना, बप्पा रावल की हमने नागभट्ट में भी पढ़ा था, नागभट्ट फर्स्ट में गुजर प्रतिहार में, कि 739 ईस्वी में बप्पा रावल ने गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट के साथ में मिलकर अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये हमने वहां नागभट्ट में पढ़ा था कि नागभट्ट ने मल्लेच्छ नारायण की उपाधि धारण की थी, नारायण का मतलब हो गया मल्लेच्छों का नाश करने वाला। ठीक है, तो बप्पा रावल 739 ईस्वी में नागभट्ट फर्स्ट के साथ में अरब आक्रमणकारियों को पराजित करता है। तो ये जो प्रमुख प्रमुख बातें हो गई ये बप्पा रावल की होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट शासक की बात करें तो नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है वो आ रहा है भरत भट्ट। भरत भट्ट के बारे में आपको केवल दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि इसे तीनों लोकों का तिलक कहा गया, तीनों लोकों का तिलक कहा गया। दूसरी बात भरत भट्ट की आपको ये ध्यान रखनी है कि इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है भरत भट्ट की। ठीक है, भरत भट्ट के बाद में नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है अल्लर या आलू रावत। अल्लर या आलू रावत से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जाता है। दो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसने आयड़ को राजधानी बनाया, इसने अपनी राजधानी आयड़ को बना लिया था। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि मेवाड़ में नौकरशाही
नौकरशाही प्रारंभ की। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो आलू रावत या अल्लर को। ठीक है, मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बात कि इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ठीक है, हूण थे, हूण बारी जाती थी, तो हरिया देवी से जब इसने विवाह किया तो ये राज्य का पहला यानी कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया, किससे किया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक इसके बारे में जो अल्लर या आलू रावत है इसके बारे में आपको बात ध्यान रखनी है कि इसने जगत अंबिका मंदिर बनवाया, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया, कहां पर, उदयपुर में। ठीक है, तो अल्लर या आलू रावत की बस इतनी ही कहानी है। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है वो आ रहा है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार जो था ये एक तरह से शक्ति कपूर ही था। ठीक है, विशेष नहीं था, निर्बल शासक था। देखो शक्ति कुमार के समय मालवा का शासक था, मालवा का परमार शासक था जिसका नाम था मुंज, मुंज परमार कहा जाता है इसे। मुंज जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है शक्ति कुमार के टाइम में, चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा और चित्तौड़ को जीत लेगा। तो ऐसी स्थिति में शक्ति कुमार नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, नागदा को अपनी राजधानी बना लेता है। तो मालवा का जो ये मुंज परमार है इसी के वंश में एक शासक आएगा बाद में जिसे कहा गया है भोज परमार। ठीक है, भोज परमार के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए भोज परमार जो है इसने पहला तो जालोर के अंदर कंठावरण पाठशाला बनवाई। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण जिसमें वो जालोर की कंठावरण पाठशाला को तुड़वाकर वहां पर अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो वो जो जालोर वाली कंठावरण पाठशाला है वो किसके द्वारा, राजा भोज परमार के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था त्रिभुवन स्वामी मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, ये मंदिर का निर्माण उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। ठीक है, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर की जो मरम्मत है काफी टाइम निकल गया, उसके बाद इस जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसकी मरम्मत मोकल ने करवाई। मोकल पढ़ेंगे हम, इस आगे वंश में आएगा, राणा लाखा के बाद में आएगा। तो इसकी मरम्मत मोकल के द्वारा करवाई गई और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समीदेश्वर मंदिर कर दिया गया, समीदेश्वर मंदिर। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया है और इसी की मरम्मत करवाई गई मोकल के द्वारा और मोकल ने इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समीदेश्वर मंदिर कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है वो आ रहा है रण सिंह या कर्ण सिंह। ठीक है, तो रण सिंह या कर्ण सिंह। अब देखिए ये जो कर्ण सिंह है इसके दो पुत्र हैं। ठीक है, पहला पुत्र तो हो गया क्षेम सिंह, ये बड़ा पुत्र है। ठीक है, और छोटा पुत्र हो गया राहब, ये छोटा पुत्र है। ठीक है, तो क्षेम सिंह के नेतृत्व में तो रावल शाखा बनी, क्षेम सिंह के नेतृत्व में रावल शाखा बनी और राहब के नेतृत्व में राणा या सिसोदिया शाखा बनी।
ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसके समय जो मेवाड़ का गुहिलोत वंश है दो शाखाओं में बट गया था, तो आपको ध्यान रखना है रण सिंह या कर्ण सिंह के समय। तो बड़े भाई छेन सिंह के नेतृत्व में तो रावल शाखा, छोटे भाई राहत के नेतृत्व में राणा या सिसोदिया शाखा बनी। सिसोदा गांव में रहता था इसलिए सिसोदिया कहलाई ये लोग, ठीक है। छेन सिंह के शासनकाल में जो रावल शाखा बनी इसने तो अपना शासन संभाला, यानी कि राजा अब कहां से आने लगे, रावल शाखा से, जो भी आएगा वो शासक बनेगा। और जो ये राणा या सिसोदा शाखा है ये इनके सामंत के रूप में कार्य करने लगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह है, और रावल रतन सिंह जब मर जाता है, यानी कि जब उस वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद में मेवाड़ में सिसोदिया या राणा शाखा आने लगेगी, ठीक है। तो फिलहाल करण सिंह में आप इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा करण सिंह में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। अब नेक्स्ट अगर शासक की बात करें तो इस वंश में नेक्स्ट शासक आता है जेत्र सिंह, काफी इंपॉर्टेंट शासक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, जेत्र सिंह, ठीक है। जेत्र सिंह की बात की जाए तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग, देखो इसका जो काल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। दूसरी बात इसकी ध्यान रखनी है कि 1227 में भूताला के युद्ध में इसने इल्तुतमिश को पराजित किया। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था, तो इल्तुतमिश को पराजित किया भूताला के युद्ध में। अब इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है कि भाई इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है हमीर मद मर्दन ग्रंथ से। हमीर मद मर्दन इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। हमीर मद मर्दन ग्रंथ जो है इसके राइटर है जय सिंह सूरी। इसमें हमीर किसे कहा गया है, इसमें हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को, कि इल्तुतमिश के मान का मर्दन कर दिया। किसने किया है, जेत्र सिंह ने किया, ठीक है। तो ये जो भूताला का युद्ध है इसकी जानकारी हमें हमीर मद मर्दन ग्रंथ से मिलती है, इसके राइटर जयसिंह सूरी है, और इसमें हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये जो भूताला का युद्ध हुआ, इस भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह के जो सेनापति थे वो थे बालक और मदन, बालक प्लस मदन ये इसके सेनापति थे, ठीक है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि भूताला का युद्ध होने से पहले इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था। हमने पढ़ा था कि शक्ति कुमार ने नागदा को राजधानी बना लिया था, तो इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया और नागदा को नष्ट कर दिया, ठीक है। तो नागदा को नष्ट करने पर जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बना लिया। अपनी राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। जेत्र सिंह के बारे में दो बातें और ध्यान रखनी है कि पहला इतिहासकार है जीएच ओझा, जीएच ओझा इन्हें रण रसिक की उपाधि देते हैं। उपाधियां पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इतिहासकार जीएच ओझा जेत्र सिंह को रण रसिक की उपाधि देते हैं। इसी तरह इतिहासकार है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा जेत्र सिंह को मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रमुख बातें हो गई जेत्र सिंह के बारे में। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, दो ही चीजें ऐसी है जहां से तेज सिंह में क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात आपको तेज सिंह की ध्यान रखनी है कि इसके काल में 1260 में एक चित्रकार था जिसका नाम था कमल चंद्र, ठीक है। कमल चंद्र चित्रकार था, 1260 में इसने ताड़ के पत्रों पर
श्रावक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिकर्मण चूर्णी नामक एक चित्रमाला सेट तैयार किया, ठीक है। और ये जो श्रावक प्रतिकर्मण चूर्णी है, ये मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ माना गया है, ठीक है। तो यहां से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिकर्मण चूर्णी किसके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में कौन बना रहा है, तो चित्रकार कमल चंद्र बना रहा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तेज सिंह के बारे में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके शासनकाल में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। और इसका निर्माता जो है वो है जीजाक शाह, जीजाक शाह, शाह की जगह आपको कैथोल नाम भी देखने को मिल जाता है, जीजाक कैथोल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जीजाक शाह या जीजाक कैथोल एक ही बात है। तो ये दो बातें आपको तेज सिंह की याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है वो है समर सिंह, ठीक है। समर सिंह, समर सिंह के बारे में एक दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि इसने जीव हत्या पर रोक लगाई, ठीक है, जीव हत्या पर इसने रोक लगाई। समर सिंह जो है, समर सिंह के दो पुत्र थे, ऐसे तो बहुत थे लेकिन देखो अपन को दो दो तीन तीन जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखने। तो समर सिंह के दो पुत्र थे, पहला पुत्र तो था रावल रतन सिंह और दूसरा पुत्र था कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, ठीक है। रावल रतन सिंह के नेतृत्व के जो था ये तो मेवाड़ का शासक बना, रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, और कुंभकर्ण जो है ये नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना कौन कर रहा है, तो कुंभकर्ण कर रहा है। किसका पुत्र है, समर सिंह का पुत्र है। अब इस रावल शाखा का अंतिम शासक आता है रावल रतन सिंह, ठीक है। और इसके बाद में रावल शाखा समाप्त हो जाती है और सिसोदिया या राणा शाखा शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह के बारे में अगर मेन मेन बातें करें हम, तो देखो रावल रतन सिंह अंतिम रावल शासक यानी कि रावल शाखा का अंतिम शासक, पहली पत्नी नागमती, ठीक है, दूसरी पत्नी पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती कौन थी, तो सिंहल द्वीप के शासक, सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका, सिंहल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी, ठीक है। देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो उसके आक्रमण के क्या कारण थे भाई, कोई तो रीजन रहा होगा ना, तभी उसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी उस पर क्यों आक्रमण करेगा। तो आक्रमण के कारण, एक एक आक्रमण के कारण, एक एक आक्रमण के कारण, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके आक्रमण के दो कारण हो जाएंगे। पहला कारण जो है वो दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पहला रीजन दिया गया। देखो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये 1540 में एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जिसका नाम है पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में था। अब देखो ये घटना कब हुई है, 1303 में हुई है, और इस पे मलिक मोहम्मद जायसी कहानी कब लिख रहा है, 1540 में, नियर अबाउट 225 सालों के बाद में लिख रहा है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है
वो चित्तौड़ आक्रमण का कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य से प्रेरित हो गया था और इसी कारण से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन इतिहासकार इस को प्रमाणित नहीं मानते। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वास्तविक कारण कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्यों हमला किया, तो वास्तविक कारण हो जाएगा मेवाड़ का सामरिक महत्व। देखो, मेवाड़ जो था वो राजपुताना में सबसे प्रतिष्ठित राजवंश था। ठीक है, अगर अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ को जीत लेता तो राजपुताने में उसकी धाक जम जाती। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ मालवा जाने वाले और गुजरात जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर भी स्थित था, तो इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, न कि पद्मावती के कारण। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि रावल रतन सिंह के समय ही मेवाड़ का पहला शाका हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के शाकों की हम बात करेंगे तो आप थोड़ी सी इसमें यहां हेडिंग लगा लीजिए, मेवाड़ का पहला शाका, मेवाड़ का पहला शाका कब हुआ है, 1303 में हुआ है। ठीक है, देखो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ में है रतन सिंह, ठीक है, और कौन है यहां, पद्मावती है। ठीक है, अब ये जो रतन सिंह है इसका एक तांत्रिक समझ लो या इसका मंत्री समझ लो, इसका नाम है राघव चेतन। ठीक है, एक बार पद्मावती की किसी बात को लेकर राघव चेतन से अनबन हो जाती है। ठीक है, पद्मावती राजा रतन सिंह को बोलकर इसको राघव चेतन को देश निकाला दे देती है, तो राघव चेतन जो है इस बात से नाराज हो जाता है और राघव चेतन चला जाता है दिल्ली। दिल्ली में बैठा हुआ है एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और रानी पद्मनी के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है और उसको भड़का देता है कि भाई आप दिल्ली के शासक हो तो दुनिया की सबसे सुंदर रानी आपके पास ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को आधार बनाकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। 1303 में चित्तौड़ का पहला शाका होता है। ठीक है, तो यहां से दो चार क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पद्मावती की अलाउद्दीन खिलजी को सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था, तो राघव चेतन था। ठीक है, 1303 में मेवाड़ का पहला शाका हो जाता है, रतन सिंह तथा उनके सेनापति, रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल, गोरा व बादल केसरिया करते हुए ठीक है मृत्यु को प्राप्त हुए। रानी पद्मनी ने जोहर कर लिया। ठीक है, और 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जाकर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। देखो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यहां पर एक दरगाह है जिसका नाम है ढाई बी पीर दरगाह, ढाई बी पीर दरगाह। यहां पर एक फारसी लेख है, उस फारसी लेख में यह बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतता है और इस दुर्ग को अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देता है, अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देता है और खिजर खां चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर वो क्या कर दे रहा है, खिजराबाद कर दे रहा है। ठीक है, देखो 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, खिजर खां मालवा की तरफ निकल जाता है और खिजर खां जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का प्रशासक बना जाता है मालदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा कौन है, जालौर का शासक है। तो 1316 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ जो है वो मालदेव सोनगरा के अधीन रहता है, मालदेव सोनगरा इसका प्रशासक रहता है। ठीक है,
तो ये पूरी कहानी हो गई रावल रतन सिंह की। मालदेव सोनगरा के पास के बाद ये बनवीर के पास जाएगा, फिर राणा हमीर जो है वो इसको चित्तौड़ को वापस प्राप्त करेंगे। इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का पहला उद्धारक कहा गया है। मेवाड़ का दूसरा उद्धारक उस भामाशाह नामक व्यापारी को कहा गया है। तो हम राणा हमीर में वो सारी बातें करेंगे। तो आज यहाँ रावल रतन सिंह तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।